नमस्ते दोस्तों, दीपक ऑटो सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर गाड़ी का कंप्रेसर चला जाए तो उसे कैसे ठीक करें। देखिए, ये कावासाकी बॉक्सर लगा हुआ है इसका। देखिए, चलते चलते बंद हो गया था सर, कंप्रेसर डाउन हो गया। मतलब इसका कोई दोनों साइड, मतलब कोई वाल है इधर या इधर का, वो लीकेज कर गया है। मैं आपको बताऊंगा ये वाल लीकेज को कैसे आप ठीक करें। तो सबसे पहले मैं ये सीट को और ये टंकी को खोलता हूँ। सीट खोलने के लिए इस जगह पे एक बोल्ट लगा हुआ रहता और इस जगह पे एक बोल्ट लगा हुआ रहता, तो सबसे पहले मैं उसे खोलूँगा। देखिए, मैंने सीट को खोल दिया। अब टंकी को खोलूँगा। इस जगह पे एलंकी बोल्ट लगा हुआ था 6 नंबर का, इसे मैं खोल लूँगा। इसे खोलने के बाद पेट्रोल पाइप यहाँ से निकालूंगा, तेल बंद करके पेट्रोल पाइप निकाल, टंकी को बाहर करूंगा। टंकी खोलने के बाद इस जगह पे दो बोल्ट लगे हुए होते हैं साइलेंसर में, इसे खोलूंगा। फिर ये बोल्ट को खोलूंगा और साइलेंसर को बाहर कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये हेड को खोलना है। तो चलिए, हेड को खोलने से पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसका कौन सा वाल्व गया है। इसे चेक करने के लिए मैं ये दोनों कैप को खोलूंगा, टैपेट कैप को। टैपेट कैप खोलो, फिर मैं ये दो बोल्ट को खोल लूंगा। इस जगह पर टाइमिंग का स्पॉकेट होता है, इसे खोलने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाल्व गया है इसका। अगर वाल्व खराब हो जाएगा, लीकेज कर जाएगा, तो आपका कंप्रेसर डाउन हो जाएगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देखिए, ये स्पॉकेट है, टाइमिंग स्पॉकेट। ये देखिए, ये मार्का मारा हुआ है। इससे पहले हम टॉप में कर लेते हैं। ये टॉप में चलाया, अब हम ये चेक करते हैं कि कौन सा वाल्व गया हुआ है। ये वाल तो सही है, ये छोटा वाला वाल, ये लीकेज है, क्योंकि ये छोटा वाला वाल, देखिए ये अप डाउन हो रहा है, अप डाउन नहीं होना चाहिए इसे। इसका मतलब ये वाल लीकेज है, तो मैं इसे चेंज करूँगा। मैं इसे खोलता हूँ, सबसे पहले साइलेंसर खोलता हूँ, फिर इसे खोलूँगा ब्रैकेट को, फिर ये टाइमिंग स्पॉकेट को खोलेंगे, क्योंकि मुझे इसे बाहर निकालना है। तो मैं इसे खोलूँगा तो ये घूम जा रहा है, इसे मुझे लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के लिए मैं इस मैग्नेट कवर को, दोनों बोल्ट स्क्रू को खोलूंगा। ये टाइमिंग देखने के लिए रहता है, प्लास्टिक का बोल्ट होता है। इस जगह पे 14 नंबर का मैग्नेट में बोल्ट होता है, जो जिससे मैग्नेट टाइट होता है। तो मैं उसे पकड़ूंगा गोटी से, उसके बाद मैं इसे खोलूंगा। ऊपर लॉक हो गया है। अब ये टाइमिंग चेन देखिए टाइट है, इसे लूज करेंगे तभी ये स्पॉकेट बाहर आएगा। तो लूज करने के लिए हम कोई टाइमिंग एडजस्टर जो होता है, इसे हमको लॉक करना पड़ेगा। ये छोटा पेचकस से आप इसे घुमाकर लॉक कर सकते हैं। ये लॉक हो गया, देखिए लूज हो गया चैन। अब मैं इसे बाहर खींच लेता हूँ। उसके बाद ये दोनों बोल्ट को खोलूंगा, ये दोनों बोल्ट को खोलूंगा, फिर ये चार हेड में स्टेक है इसे खोलूंगा, फिर यहाँ दो स्टेक है 10 नंबर का, इसे खोलूंगा, फिर इसे बाहर निकालूंगा। तो मैं इसे खोल लेता हूँ।
देखिए इसका चारों स्टिक को मैंने खोल दिया, दो और दो, यहाँ के भी दो बोल्ट को खोल दिया। ये देखिए चार स्टिक है, तो ये साइड वाला है। अब मैं इसे बाहर निकालूंगा, ऐसे खींच कर बाहर निकालो, टाइमिंग चेन को अंदर नहीं जाने दूंगा। सिर्फ ब्लॉक, सिर्फ सिर्फ हेड को निकालना है। चैन को मैं इसी जगह पर रहने देता हूँ, पिस्टन को टॉप में कर लेता हूँ। दिखा दे, पिस्टन को टॉप में कर लेता हूं, कभी कभी ऐसा होता है ये चैन नीचे से उतर जाता है, तो आपको ये मैग्नेट, ये मैग्नेट खोलकर आपको वहां से चढ़ाना पड़ सकता है, बट ये निकला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको इसे खोलकर बाहर निकाल कर करना पड़ेगा। अब मैं ये हेड को देखता हूँ क्या हुआ है। ये हेड देखिए, ये छोटा वाला जो है ये खराब हो गया है, टेढ़ा हो गया, बैंड हो गया है, ये सही है। इसे कैसे चेक करूँगा मैं, ऐसा तो दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस जगह पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, अगर ये लीकेज रहेगा तो यहाँ से तेल बाहर आएगा, तो मैं इसमें थोड़ा तेल डालता हूँ तो आपको चेक हो जाएगा। देखिए इस जगह पर, जिस जगह साइलेंसर लगता है, इस जगह पर मैं पेट्रोल डालूंगा, देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये लीकेज हो गया है, इसे बाहर नहीं आना चाहिए तेल को। चलिए मैं इसमें भी चेक कर लेता हूँ डालकर, कहीं ये भी तो लीकेज नहीं है। ये सही है, ये लीकेज नहीं है, ये लीकेज है, इसे मैं चेंज करूंगा। इसे बाहर निकालने के लिए मुझे ये कैमशाफ्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे ये दो स्क्रू खोलने होंगे, तो मैं इस स्क्रू को खोल लेता हूँ। ये लॉक होता है, रॉकर का पिन बाहर ना है, इसलिए इसका दिया हो रहता है लॉक। अब इस पत्ती को मैं बाहर निकालूंगा, देखिए बाहर आ गया। अब ये रोकर को बाहर निकाल लूंगा, ये बाहर नहीं आ रहा, फंस रहा है। तो सबसे पहले मैं ये पिन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। दोनों पिन को निकाल लेता हूँ, दोनों पिन बाहर निकालने से ये बाहर आ जाएगा मेरा रॉकर, दोनों साइड का रॉकर को बाहर निकाल लेता हूँ, कैमशाफ्ट आराम से बाहर आ जाएगा। अब लीकेज था ये वाला, इसे बाहर निकालूंगा। इसके लिए यहाँ पे जो वाल में लॉक होता है, इसे मैं बाहर कर दूंगा, इसलिए मुझे थोड़ा ऊपर करो। ये वाल का दोनों लॉक निकल गया, स्प्रिंग भी निकल गया। अब ये वाल निकाल लिया मैंने,
जगह से देखिए ये बैंड हो गया, इसे मुझे नया डालना पड़ेगा। चेक कर लेते ये बैंड क्या हुआ है, कुछ कारण तो नहीं है। देखो सब चीज सही है। इसे साफ कर लूंगा, यहाँ पर थोड़ा कार्बन जमा हुआ, उसके बाद नया वाल लगाऊंगा, क्योंकि कार्बन रहेगा तो वो लीकेज करेगा। देखिए इस जगह पे ग्राइंडिंग की जरूरत पड़ती है, पॉलिश की जरूरत पड़ती है अगर आप नया वाल लगा रहे हैं तो। लेकिन इसका लगता है कि कुछ दिन पहले ही काम हुआ है, ये सही है, तो मैं इसे थोड़ा सा पॉलिश कर लिया हूँ। ये इससे पॉलिश किया जाता है, देखिए पेस्ट है। इस पेस्ट को इसका साइड में लगाकर और इसे राउंड किया जाता है, घुमाया जाता है, ताकि ये इसमें बैठ जाए, बीच में इसका ये कुछ खराबी ना रहे और पेट्रोल लीकेज ना करे। इसी से कंप्रेसर लीकेज करता है, तो मैं इसमें ज़्यादा का जरूरत नहीं था, मैं थोड़ा सा कर लिया इसे। अब मैं इसे लगाऊंगा, स्प्रिंग है, ये लॉक वाशर है, पहले मैं लॉक वाशर को बैठा देता हूँ। फिर इस कूलर की मदद से मैं इसे फिट करूंगा। कूलर का काम है कि स्प्रिंग को अंदर धकेले, जिससे कि आपका लॉक बैठ जाए। इसे रहने से आपका काम इजीली हो जाएगा। ये वाल का बीच में जिस जगह बना हुआ रहता है उसमें ये लॉक को बैठ गया है। मैं इसे खोल देता हूँ। देखिए ये बैठ गया वाल। अब मैं ये चेक कर ले रहा हूँ कि ये लीकेज तो नहीं है। जैसे कि मैं उस टाइम दिखाया था ये पेट्रोल बाहर आ रहा था यहाँ से, अभी बाहर आ रहा कि नहीं देख लेता हूँ। देखिए पेट्रोल बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। देखिए इस जगह पेट्रोल भरा हुआ है, देखिए यहाँ बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा, मतलब ये सही हो गया, कंप्रेसर अब सही होगा। हल्का सा भी अगर आपका कंप्रेसर बैठ जाता है तो गाड़ी का पिकअप डाउन हो जाएगा, वाल हल्का सा भी लीकेज कर जाएगा तो पिकअप डाउन हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा, गाड़ी खींचेगी नहीं, और थोड़ा सा और प्रॉब्लम करेगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी कुछ ज़्यादा लीकेज होने पर। अब मैं जैसे खोला था उस तरह फिट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कैम शाफ्ट को फिट कर देता हूँ। उसके बाद रोकर को, ये दोनों साइड एक ही होता है, आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इधर ही लगा देता हूँ। ये दोनों भी बराबर होता है, सेम होता है, आप इसे किधर भी लगा सकते हैं। इसे लगा दूंगा, ये लॉक पत्ती है, ये दोनों पिन को बाहर नहीं आने देता है, इसे लगा देता हूं मैं। दोनों स्क्रू को लगा दे रहा हूँ, जैसे मैंने खोलते वक्त बताया था आपको, जिस तरह मैंने खोला बस उसी तरह से फिट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है।
पूरा पूरा कस देंगे। फिटिंग हो गया। अब मैं ये टाइफिट देख रहे हैं, ये लूज है और ये टाइट है, क्योंकि मैंने इसमें नया वाल लगाया है इसलिए टाइट हो गया। इसे लूज करेंगे आठ का रिंग से। इसे आप लगा कर भी कर सकते हैं, बट खुला हुआ तो मैं कर दे रहा हूँ। इसका गैप तो आपको बताया था मैंने, 0.05 mm से गैप होता है रॉकर बोल्ट और वाल की बीच की गैपिंग। सही हो गया। अब मैं इसे वहां फिट कर दे रहा हूँ। अब मैं इस हेड को इस ब्लॉक में फिट कर दूंगा। टाइमिंग चेन को पहले, उसके बाद बाकी चीजें को। अब इसका चारों स्टेक, ऊपर वाला चारों स्टेक को मैं लगाकर कस दूंगा। और यहाँ पर दो स्टेक है, 10 नंबर स्टेक मैंने डाल दिया। मैंने इस जगह पर पैकिंग का कुछ नहीं किया क्योंकि पैकिंग वह सही था, सिर्फ उसमें सुलेशन डाल दिया कि वो चले, कोई जरूरी नहीं होता उसे चेंज करना क्योंकि वो लोहा का होता है। अब मैं इसे चारों को टाइट कर देता हूँ, ये दो और ये चार को, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये चारों बोल्ट को हमने फुल टाइट कर दिया, इसे भी टाइट कर दिया, ये हेड पूरा टाइट हो गया, ये ब्रैकेट को भी हमने टाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इस पॉकेट लगाऊंगा। इस पॉकेट लगाने से पहले मैं आपको इसका टाइमिंग के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए इस जगह पे 14 नंबर का बोल्ट होता है जिससे मैग्नेट टाइट रहता है, इसे आप गोटी की मदद से आप घुमा सकते हैं। और इस जगह पे देखिए, इस जगह पे एक सिंबल आता है टी का सिंबल, टी मतलब टॉप, पिस्टन टॉप पे चला जाता है, तो मैं इसे टी पर लाता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। देखिए इस जगह पे टी का सिंबल है, आपको शायद नहीं दिख रहा क्योंकि देखिए टी का सिंबल आपको दिख रहा है ना। अब इस जगह पर हम टाइमिंग को सेट करेंगे। अब ये टी में हो गया, मतलब ये पिस्टन जो है ये टॉप में चला गया। अब मैं इस पॉकेट को लगाऊंगा, ये देखिए इस पॉकेट है, इसे मैं फिट करता हूँ। फिट करने के लिए सबसे बड़ा ध्यान रखने योग्य बात है, ये जो देख रहे कट का निशान, ये कट का निशान जो है ये इसके सीध में रहेगा, समझे, ये सीध में रहेगा मतलब पिस्टन टॉप में।
चलिए मैं इसे चेक कर लेता हूँ टॉप में है या नहीं। चलिए ये टॉप में है, अब मैं इसका नट को लगा देता हूँ। ये जो दोनों 10 नंबर बोल्ट लगे हुए हैं, अब ये टैफिट कैप को फिटिंग कर दे रहा हूँ, ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा। इसका सारा सामान लग चुका है, अब बस टैफिट कैप को लगाना है और साइलेंसर को लगाना, उसके बाद मैं कंप्रेसर चेक करूंगा इसका। कभी भी हेड और ब्लॉक का काम करें या किसी से करवाएं तो ये जरूर चेक कर लें कि हेड में मोबिल आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं अपने वीडियो में हमेशा ये कहता हूँ क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको ही दिक्कत होगा। ये साइलेंसर को मैंने यहाँ लगा दिया है और बाकी ये सब भी सारा चीज़ को मैंने टाइट कर दिया। अब मैं ये चेक कर ले रहा हूँ इसका कंप्रेसर कैसा है, इसके लिए मुझे किक मारना होगा। किक मारते हुए इस छेद में मुझे उंगली रखना होगा, अगर कंप्रेसर बाहर फेंक रहा है तो ये फट फट आवाज़ करेगा, आपका उंगली को बाहर फेंकेगा, और कंप्रेसर नहीं देगा ये बाहर की ओर नहीं फेंकेगा। बाहर फेंक रहा है, ये सही है। अब मैं प्लग को चेक कर ले रहा हूँ, प्लग सही है। अब मैं इसमें करंट को चेक कर लेता हूँ कैसा है। प्लग में करंट आ रहा है, मैं इसे लगा दे रहा हूँ। अब ये प्लग को मैंने लगा दिया, इसमें होल्डर लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ इसका कंप्रेसर कैसा है। ये देखिए ये हार्ड हो गया, पहले सॉफ्ट था। मैंने इसे स्टार्ट किया तो इस जगह से मोबिल आ रहा है, इसका मतलब ये नट लूज है। इसे टाइट करूंगा, इसे मैंने दोबारा टाइट किया, ये लूज था, तो फिर से इसे चालू करता हूँ। ये सही हो गया, पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था, अब ये स्टार्ट भी हो रहा। अगर कंप्रेसर आपका बाइक में चला जाए तो ये स्टार्ट नहीं होगा। सही हो गया, अब मैं बाकी इसका टंकी वगैरह को फिट कर दे रहा हूँ। टंकी ये टंकी बोल्ट था 6 नंबर, पेट्रोल पैड लगा दो पहले।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको बताया कि अगर आपका बाइक में कंप्रेसर चला जाए तो वो स्टार्ट बंद हो जाती है, उसे कैसे ठीक करें। तो अगले वीडियो में आपको और भी जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।